साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम जो है पेंटिंग का 12th क्लास की प्रैक्टिकल फाइल जो है वो आपको बनानी है, उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे उर्दू में कि आप उर्दू वाले बच्चे कैसे जो है प्रैक्टिकल के लिए किस तरह बनाएंगे और किस तरह से बनेगी प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप करिएगा, अपने जो फ्रंट पेज है उस पे जहाँ पे नाम वगैरह लिखते हो, अगले पेज पे मतलब कवर पेज छोड़ के जो पहला पेज होगा ना उस पे ये सारे आपको मौजू लिखने, नंबर शुमार और मौजू, सफ़ा नंबर मत लिखिएगा क्योंकि आपके पेजेस अलग होंगे, और ये सारे टॉपिक लिखने। ठीक है, पहला है इनफरादी तौर पर और ग्रुपों में अशिया की बुनियाद, शक्लों और हजम का मुताला और खाका कशी। दूसरा है इसके अंदर इंसानी साख और कुदरती अशिया के दरमियान तफरीक। तीसरा है तनाजुर के लिहाज से हजम और गहराई हासिल करने के लिए रोशनी और साए का इस्तेमाल। चौथा है हम आहंगी, हुस्न तरतीब, तवाजुन और बनावट। पांचवा है तरकीब की ज़रूरत के मुताबिक इब्तदाई, सानवी और तकमीली फंक और शौक रंग का इतलाब। छठा है मुताला शुदा अनासिर के समूने के अमल के बाद तस्वीरी जगह की शक्लों में तरतीब। सातवा है एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए तस्वीर तरतीब बनाना। आठवा है बसरी तजर्बे को दस्तावेजी शक्ल देना, फौरी अदराक के साथ नकलो हरकत और मिजाज और खसूसियात की छवि उतारना। नवा है बसरी तजुर्बे के मुताले में मौजूदा तसव्वुरात तस्वीरात से शक्लों की तस्वीर तसव्वुरी शक्ल देना। आठवा है रिवायती लोक मरकजी ख्यालात का मुताला। ग्यारहवा है लोक आर्ट के तरीक़ों और मवाद का मुताला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने दे दी हैं, ये आप एक पेज को उतार लिए। तो प्रैक्टिकल वन जो है मतलब इसके अंदर जो प्रैक्टिकल है पहला में हमने पढ़ा जैसे अभी, तो इसके अंदर 10-11 टॉपिक हैं। तो प्रैक्टिकल वन यानी पहला टॉपिक इसको हम पढ़ लेते हैं, और देखिए जो पिक्चर्स होंगे ना वो आपको बनानी है पेंट करके अच्छे से डिज़ाइन करके, या तो उसकी कॉपी कर लिएगा ऊपर वो रख के बटर पेपर जो आता है उससे उसको कॉपी कर लिएगा। लेकिन जो उसकी जो पिक्चर्स हैं आपको PDF की शक्ल में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकलवा के उस पर वो कर लें, आप मतलब स्केच करके लगा लें, क्योंकि 70 नंबर का होता है ना प्रैक्टिकल, तो उसमें अच्छे से नंबर आपके मिल जाएँ और असाइनमेंट के भी मिल जाएंगे। 70 या 60 नंबर का होता है, देख लीजिएगा आप, मेरे 70 का होता है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं अशिया के अलग अलग ग्रुपों में बुनियादी अशकाल का हजम का मुताला और उनकी खाका का तारुफ। आर्ट फन में हमारे सकाफती विरासत माहौल के तेज ज़्यादा एहसास बनाएंगे। थोड़ा सा ये जूम कर लेता हूँ ताकि, और रोज़मर्रा की सरगर्मियों में इस तख्लीकी रवैये को फ़रोग देंगे। फ़न के मैदान में यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ वसी तकनीकों और तर्ज की पाबंदी करें, इसलिए मुसव्विरी के कोर्स में प्रैक्टिकल का हिस्सा काफ़ी अहम रोल होता है। हर मरहले में आपको आसानी से दस्तयाब मवाद के साथ तजज़िया अंजाम देने की ज़रूरत है। मकासद क्या है प्रैक्टिकल के? देखो ये बात तारुफ में लिखनी है, फिर उसके बाद मकासद। इस प्रैक्टिकल को पूरा करने पर आप बुनियादी शक्लों का इम्तियाज कर सकेंगे और मुख्तलिफ़ अशिया की बुनियाद पे आसानी से वाजे कर सकेंगे, मुख्तलिफ़ लाइन हल्के कर सकेंगे और ये साइज शनाख्त इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे ही लिख देना, कलर फलर मत करना और ना टाइम वेस्ट हो। इंतखाब दर्ज झेल तीन बुनियादी शक्लों को साफ कागज़ पर काटें, पोस्ट कार्ड कॉपी का कवर, मिसाल के लिए दायरा मुरब्बा मशहूर। ठीक है, तो आप ये जो है बना लीजिएगा कोई भी इनमें से एक, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इनमें से आप कोई तीन पिक्चर्स बना लीजिएगा, ये कॉपी पे बना लीजिए, ये तीन बनानी और ये तीन बना लेना बस, और अच्छे से बना लेना जो भी आप बना सकें। ये बना सक रहे हैं तीन, तो ये और ये बना रहा है तो ये, ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तीन बनानी और फिर इन 9 पिक्चर्स में से कोई ऐसे पूरी लाइन कोई एक लाइन बना लेना। इसके बाद जो अगले पेज पे देख लेते हैं क्या है। अगले पेज पे ये दायरा, प्याला, कैथल, गेंद, मुरब्बा, किताब, ट्रंक बॉक्स, इस तरह की छोटी छोटी पिक्चर। देखो इसमें बनाने का ज़्यादा है ना, बुनियादी तौर पर
शक्ल पर रोशनी और साए का इस्तेमाल, बुनियादी शक्ल पर रोशनी और साए का इस्तेमाल। लाइन में इन अशिया का खाका बनाया, उसके बाद रोशनी के ज़रिए इस मुताबिक शेड बनाया जिस पर अशिया का हजम तैयार होगा। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल वन पूरा हो गया, इसी तरह लिख लेना आप। प्रैक्टिकल टू है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। इंसानी साख और कुदरती अशिया के दरमियान फ़र्क करना, कुदरती अशिया जो है और इंसानी साख। इस प्रैक्टिकल में हम क्या सीखेंगे, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने पर आप जानदार और गैर जानदार अशिया के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे। ठीक है, इंसानी साख और कुदरती अशिया की शनाख्त कर सकेंगे। इंसानी साख्त और कुदरती अशिया में रंग, बनावट, लम्सी, खूबी और मवाद के दरमियान तफरीक कर सकें। इंतखाब क्या है, इंसान की बनाई हुई चीज़, जार, प्लेट, गमला और कुदरती अशिया, फूल, सब्जी और फल का इंतखाब कीजिए। ये जैसे ये बना रखी है, ये इब्तदाई ड्राइंग है, फिर रोशनी और शेड का इस्तेमाल करा यहाँ पे, तो ऐसे वही पिक्चर्स बना के आप दिखाइएगा। देखिए दो ये रहे पिक्चर्स और दो ये बना दीजिएगा, और इसमें लिखा हुआ भी है कि ये जो है चीज़ को शेड करा है पहले, ऐसे ये बनाई है इंसान के द्वारा, ये दिखानी है। ये भी इब्तदाई ड्राइंग और शेड के शे को शेड करने के बाद जो इसकी शक्ल है। इसी तरह गमला वगैरह भी है, ये भी आप, ये कुदरती शे है, कुदरत और इंसानी साख, कुदरती शे और इंसानी साख शे, फिर उसके बाद कुदरती और इंसानी साख को मिला दिया, तो इस तरह ये पिक्चर्स बना दिएगा। तीसरा प्रैक्टिकल जो है वो ये है आपके सामने कि इसमें हम क्या सीखेंगे, मकासदे तनाजुर के मफहूम और अजम और गहराई को हासिल करने के लिए लाइट और शेड का इस्तेमाल करना। मकासद क्या है इसके, इस प्रैक्टिकल को पूरा होने के बाद आप तस्वीरी जगह में पेश मंजर और पस मंजर बयान करना आ जाएगा, आपको अशिया के दरमियान फासला कायम करना आ जाएगा। तनाजुर क्या है इसके, इफाकी लाइन खींचने के लिए पेश मंजर वज़े करने की तस्वीर को तकसीम करना। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स दे रखी हैं, शौक और खान फनक, रंगों के साथ मनाजिर और पेश मंजर और पस मंजर, दीवार पस मंजर और फर्श पेश मंजर है। ये बना लीजिएगा आप, ड्राइंग बना लीजिएगा, ड्राइंग का इसमें बहुत काम है। अगला जो काम है ये भी ड्राइंग का है, ये देखिए आप बना सकते हैं। फ़ोटो कॉपी भी कोई बच्चे लगा देते हैं तो उससे भी कुछ हो सकता है, ना बनाने से तो बेहतर है कि मतलब बच्चा कुछ लेके चला जाए। सतह पर बनाई गई तस्वीर में खींची हुई अशिया बड़ी हो जाती है और ये अशिया पस मंजर के करीब छोटी दिखाई देती है। ठीक है भाई, तो पस मंजर में अमूमी लाइनें छोटी होती हैं और पस मंजर में शेप बड़ी से बड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अगला जो इसके अंदर है ये भी बना सकते हैं आप, इनमें से एक बना दीजिएगा, कोई सी सारी नहीं बना रहे तो ठीक है, ये नहीं कि भाई सारी बनाए चले जाए, एक बना दीजिएगा। पहले इसकी पहली शक्ल दिखा दिएगा, फिर शेड के बाद शक्ल दिखा दीजिएगा, है ना, ये बना दीजिएगा। इसमें चाहे ये और ये वाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे भी कुछ इसमें दे रखे हैं, मध्यम, हल्का, सुर। ठीक है, तो ये तीन कलर दे रखे हैं। रंगों के इन तनाजुर के मफहूम में शक्लों, इंसानी साख, कुदरती अशिया का तनासुब का रिश्ता, रोशनी और शेडिंग का मुताला तरतीब में मजीद मुताले के लिए मुफीद होगा। ठीक है, वो बस कलर के बारे में ही बता रहे हैं कि हल्का ज़्यादा क्या है। अगर बनाना चाहें तो इसको बना दिएगा, वरना रेंज दिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो बना लीजिएगा, वरना इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। चौथा प्रैक्टिकल जो है इसमें वो देख लेते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 4, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ से दिखे और आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। प्लीज़ आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और आने वाले लोगों के लिए हम वीडियोस बनाते रहें और आपके लिए तैयार करती रहे हमारी टीम। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। प्रैक्टिकल 4 है, मकासद तनासुब, अमानगी, तवाजुन और बनावट का मुताला करना। मकासद क्या है, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने पर आप तनासुब, अमानगी, तवाजुन और बनावट के साथ तस्वीर की तरतीब कर सकेंगे।
तराशु वानगी और बनावट के इस्तेमाल के जरिए तस्वीर को पुरकशिश बना सकेंगे। ठीक है, तो ये तवाजुन और बनावट इतला अक्सर डिज़ाइनों की तकरार से तस्वीर में तनासुब पैदा होता है। एक ही डिज़ाइन की है और देखिए क्या तनासुब पैदा हुआ, एक नई चीज़ उभर गई। तनासुब की शनाख्त, तो आप ये बना लीजिएगा इसमें। ठीक है, और देखिए यक्सा शक्ल का मतलब एक जैसी चीज़ें मिलाई हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो तनासुब की शनाख्त दिखाई कि एक जैसी जब चीज़ें मिल जाती हैं तो कुछ नया होता है। इस मखसूस यूनिट की तख्लीक के लिए मुख्तलिफ इमदादी डिज़ाइन तनासुब कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप ये तनासुब एक जैसी, ये चारों मिलाएं और ये फिर देखें तनासुब की शन तनासुब हार बनी। यहाँ पे भी एक जैसी चीज़ है, तो आप ये जो है बना लीजिएगा ताकि जो है अच्छे से आपके काम आए। इसके बाद जो है अगला है, इसी में तस्वीर की जगह में, तो इसमें जो है ये दे रखा है मुख्तलिफ बरकरार तस्वीर की जगह में बराबर वजीनत को बरकरार रखने के मुख्तलिफ मरकजी ख्यालात मोटिव्स के इस्तेमाल को तवाजुन बैलेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे तवाजुन की तरतीब, तवाजुन की साख कैसा था और फिर ये कैसा, तवाजुन की साख दिखाई गई है। बनावट वो तकनीक जिसके जरिए तस्वीर की सतह में मुख्तलिफ हिस्सी तासुरात पेश किए जाते हैं। बनावट ऐसी और इसके बाद उसमें बनावट ऐसी तासुरात जाते हैं इसमें। अब इसकी मिसालें, बनावट एक ऐसा अंदूस की गाढ़ी रंगत या कुरचने या ब्रश के जरिए इस्तेमाल किया जाती है। मुख्तलिफ बनावट कैफियत या तरतीब की पेशकश के लिए खतूत खींचने, नुक्तों को मिलाने वगैरह के जरिए ड्राइंग की जाती है। किसी तरकीब को अंजाम देने के लिए तनासुब अमान की तवासुन और बनावट की कैफियत या पेशकश का मुनासिब इतलाक जहन में रखना चाहिए। ये सारी बातें आप लिख देंगे। इसके बाद ये पिक्चर्स हैं, चाहे तो आप इनका जो है प्रिंट करके लगा दीजिएगा, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रिंट करके कलरफुल आप इसे लगा दीजिएगा, कलरफुल प्रिंट फ़ायदा में रहेगा, गमिंग शीट पे निकलवा लीजिएगा। वेस्टर्न वॉक कॉक नाइट कैफे 1988 बेल यूनिवर्सिटी एस के क्लेशन पुरकशिश तस्वीर बनाने के लिए शक्ल में तनासुब अमानगी और तवाजुन की बना का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। देखो बहुत से बच्चे बना के भी लेके आएंगे और आप देख सकते हैं, आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स तो रख दूंगा ये सारी, ताकि आप आसानी से ही सारी चीज़ें बना सकें। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उन्हें लगा सकते हैं। चार प्रैक्टिकल पूरे हो गए हमारे, पाँचवें प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रैक्टिकल क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या बताया, इब्तदाई सानवी और तकमीली खन और शोख रंग का इतलाक सीखना। ठीक है जी, इस प्रैक्टिकल के पूरा होने पर सानवी और तकनीकी रंगों की शनाख्त कर सकेंगे। दो इब्तदाई या बुनियादी रंगों को मिलाकर सानवी रंग तैयार, मतलब तीसरा रंग तैयार कर सकेंगे। दो रंग मिलने से भी सानवी और सलासी रंगों के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे। इसमें एक है, अशियाई शक्लों में शोख रंग लाल तारंजी का इतलाक़ करें जिसे आप पेश करना चाहते हैं, और हल्कापन पैदा करने के लिए नीला, हरा और पीला खन रंग का इस्तेमाल करें। देखिए इस तरह से खन रंगों के साथ तरतीब, नया कलर वजूद में आ गया और शौक रंगों के साथ तरकीब, इसमें नया रंग देते हैं। इसके बाद अगला है कि आप बना लेंगे पिक्चर्स, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शौक और खन रंगों की तरतीब, बहुत सी शौक तस्वीर की तस्वीरकशी के लिए इब्तदाई रंग का इस्तेमाल बेहतर होगा, जबकि इसके बरखिलाफ़ हल्के तासुर के लिए सानवी रंग का इस्तेमाल किया गया। ये पिक्चर्स है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले पे उस पर भी पिक्चर से ये बनाने, ये मैं आपको फ़ोटो जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप करें। सानवी और सलासी रंगों की बारिश, गर्मी के दिन का मंजर या सूरज से निकलने की तस्वीर कशी के लिए इब्तदाई रंगों का इस्तेमाल। चांदनी रात, सर्दी के मौसम, बारिश और जंगल के मनाजिर की खनक और सानवी रंग के साथ आमतौर पर पेंट किया जाता है।
मुशावरी में ज़रूरत और पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ रंग होगा, इतलाक करें जो इब्तदाई सानवी और सलासी रंग, इब्तदाई सानवी और सलासी रंगों की एक मिसाल की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर्स आप बना भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। छठा प्रैक्टिकल है, छठे प्रैक्टिकल के अंदर क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो ये छठा जो प्रैक्टिकल है वो है मुताला शुदा अनासिर के इम्तिजाज के बाद तस्वीर जगह में समोना, ठीक है। तस्वीर जगह में से मकासद, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने पर आप जानवर, पेड़ पौधों, हैवानात, निबातात और इंसानी साख्त अशिया का मुताला, मालूमात और स्केचों के साथ तस्वीर तरतीबा स्केच करना है यहाँ पर स्केचिंग के साथ, ठीक है। तस्वीर की तरतीब के नफ़ मौजू के लिए मौजू मुतहरिक माहौल पैदा कर सकेंगे, तस्वीर तरकीब के लिए मुख्तलिफ मौजूआत का इस्तेमाल कर सकें। इंतखाब क्या है, अब वो ख़ुद को के हवाले से इंसानी शक्ल, जानवर की शक्ल, इंसानी साख्त अशिया, पेड़ और कुदरती शक्लों का इंतखाब करें। बंदोबस्त नफ्स मौजू टीम के मुताबिक तरतीब के लिए अपने हवाले से मुख्तलिफ अनासर का बंदोबस्त। अब देखिए एक थीम है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इन्होंने करा है देखो गांव की थीम दिखाई, लोग जो है कुएं से पानी भर रहे हैं, बेल भी खड़ा है, झोपड़ी भी बनी है, पेड़ पौधे भी हैं, एक लेके जा भी रहा है और औरतें भर रही हैं। तो एक ये गांव का मंजर इन्होंने इसके ज़रिए दिखाया, इंसानी शक्ल, जानवरों की शक्ल की साफ, पेड़ और गाड़ियाँ, आलूदगी भी दिखाई यहाँ पर इस वाली में, आलूदगी, इमारतें, फैक्ट्रियाँ, धुआँ, ट्रक, शहरी लड़की, ठीक है, शहरी लड़की, नदी वगैरह। दर्ज बाला अनासिर की तस्वीर की जगह में इस तरतीब के साथ पेश करना है, काबिल कायल कुन माहौल पैदा हो सके, ठीक है। उम्मीद है कि आपके वाला भी प्रैक्टिकल, आगे भी इन्होंने पिक्चर्स दी हैं इस तरह की, तो ये इतनी सारी पिक्चर्स हैं, इनमें से आप दो पिक्चर्स बना लीजिएगा, कोई दो, क्योंकि आप इतनी सारी कैसे बनाएंगे, अगर बना टाइम हो बहुत सारा तो आप बना लीजिएगा, वरना अगर टाइम नहीं हो तो आप जो है इसी से काम चला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा ये बना पाए। अब अगला है कि माँ बारिश में बच्चों को स्कूल ले जाती हुई, सवारियाँ किसी बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है जी, किसी बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही हैं। दर्ज झेल अनासिर में तस्वीर भेजी, मर्द या औरत की शक्ल, ये बच्चा, लड़का या लड़की, कुत्ता या गाय वगैरह, बारिश, मर्द और जानवर और बारिश, इंसानी शक्लों के साथ तस्वीर तरतीब, जानवरों की शक्लों के साथ तस्वीर तरतीब। इसके बाद अगला इसी में ही है, मतलब ये भी पिक्चर से कुदरती मनाजिर के साथ तस्वीर तरतीब, दो बना लेना बस इसमें, कुदरती इंसान और जानवरों के साथ तस्वीर, मतलब इसलिए दो हैं और ये दो हैं और इधर भी दो हैं, तो इनमें से कोई दो बना लेना, क्योंकि छः पिक्चर्स में से, आठ पिक्चर्स में से आठ कैसे बनाओगे, टाइम भी वेस्ट होगा आपको, तैयारी प्रैक्टिकल। अब यहाँ जज्बाती चीज़ें बताई गई, ठीक है, जज्बाती और तासुरात के इजहार के साथ तस्वीरी तरकीब बनाना, ठीक है। यहाँ पे जो है जज्बात के साथ इन्होंने अक्कासी करी है इसकी, बहुत अच्छा और बहुत उमदा अंदाज में इसको बनाने की इन्होंने कोशिश करी है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देख के कि जो है इतनी मेहनत के साथ इन्होंने ये तैयार। मकासद क्या है, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के बाद आप दर्जल बातों को जान सकें, तस्वीर के ज़रिए जज्बात और तासुरात का इजहार किया, जज्बात वही खुशी, गम, ये सब, ऐसी तस्वीर में तरगीब के नुमाया जज्बात और कैफियात में इतला, तलबा के अशकाल के खारज अनासर तालमेल के साथ इशारों और तासुरात के साथ गया, जैसे जिस्मानी थकावट, जिस्मानी हरकत, सुकनात और तासुरात देख सकते हैं, ये खुश हो रहा है, ये थकावट महसूस कर रही है, इस तरह की आप दो पिक्चर्स बना लीजिएगा, और ये फ़ोटो नहीं बल्कि बनानी ज़्यादा बेहतर रहेगी। रंगों में लाइनों का रवा इस्तेमाल और बनावट को इस अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए, मतलूबा जज्बात और तासुरात का मुनासिब तौर पर इस्तेज़ार हो सके, जैसे इन्होंने ये पिक्चर दिखाई है माँ की, ठीक है, देखिए माँ जो है बच्चे को गोद में लेगी और उसका खाना ही, ममता के होठों
की तरफ इशारा अब आँखों और उसके नर्म गुदाज लम्स की जरिए जाहिर करना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला जो है खुशी और मुसर्रत आज मुस्कुराते चेहरों को जाहिर और चमकदार और शौक रंगों से सजाते हैं, जैसे ये मंज़र है ईद का मंज़र, दिवाली का मंज़र और ये है केरल की कश्ती दौड़ त्यौहार का मंज़र। तो ये मनाजिर जो है हमें कहीं ना कहीं तासुरात और जज्बाती कैफियात का इजहार करते हैं। इसके बाद जो है अगला है इन तस्वीर में भी आप देख सकते हैं तस्वीरी तरतीब ऐसी कैफियात का इजहार इनको देखने वाले में तख्लीकी कामयाबी है। हरकत देखिए, हैरत, रोना, उदासी, मुस्कुराता चेहरा और गुस्सा, खुशी। तो ये तस्वीर आपको मैं दे दूँगा, आप इनको जो है प्रिंट करके ही लगवा दीजिएगा, चाहे तो स्केच से बना भी सकते हैं अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है। इसमें सारी छः की छः बनानी है आपको। और देखो जो पीछे गई हैं इसमें इतनी सारी जो गई हैं इसमें आप जो है ऐसा कर लेंगे प्रैक्टिकल साथ में पीछे से दो बना देंगे, इधर से दो, चार पिक्चर्स बना, हर प्रैक्टिकल में चार पिक्चर ले लीजिएगा कोई भी, बस आपको आसानी भी हो जाएगी बनाना भी आ जाएगा। प्रैक्टिकल आर्ट जो है वो क्या है, मकासिद मुख्तलिफ नामियाती और गैर नामियाती शक्लों का स्केच बनाना और मुताला करने के ज़रिए बसरी तजुर्बे की दस्तावेज़ी शक्ल देना। तारुफ, बसरी तजुर्बा शक्लों के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने और समझने के ज़रिए शक्लों का मुशाहिदा करना होगा। स्केच बनाना और ड्राइंग के ज़रिए इस बसरी शक्ल में जाहिर किया जा सकता है। नकासिद, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने पर आप मुताला और स्केच के दरमियान फर्क कर सकेंगे। शक्लों की हरकत और खसूसियात का इजहार के लिए ड्राइंग के मवाद को से स्केच और मुताले में मिजाज और माहौल के दस्तावेज़ इंतखाब, दौड़ लगाते हुए जानवर, मौसम में बाहर पालतू जानवरों के साथ खेल। अगले पेज पे इसकी पिक्चर सोचिए, देख सही है। तरतीब और खाके की आराई, अपनी याददाश्त से कुत्ते और बिल्ली का स्केच इंतखाब कीजिए। पस मंज़र में बिल्ली भाग रही और पेश मंज़र में कुत्ता पीछा, इसे देख के ही बना सकते हैं आप। और ये हर वक्त कम हो तो ये नहीं है छोड़ दें, बल्कि इसको प्रिंट करके निकलवा के लगवा दें। कुत्ता बिल्ली का तआक़ुब कर रहा है यानी पीछा कर रहा है। इंसानी शक्ल के साथ पालतू जानवरों की खाका कशी करना, जिससे पालतू जानवरों के लिए प्यार जाहिर होता है। पालतू जानवरों के साथ खेलना, इसे बॉल से खेल रहा है, तो इसकी भी आप एक तस्वीर कोई चार बना देना भाई, वरना तो बनाते ही रह जाओगे सारा टाइम। इसमें देखो आदमी जो है कबूतरों को दाना खिला रहा है, ठीक है, इसी तरह ये जो है बच्चा कुत्ते को खाना खिला रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाका आराई का मुताले के ज़रिए अमली महारत हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ही बना सकते। नवा प्रैक्टिकल आ गया अब इसमें, प्रैक्टिकल नंबर 9। इसमें क्या है, याददाश्त और मौजूदा बसरी तजर्बे का मुतालाती इदराक से शक्लों को जाहिर करना, ठीक है। तारुफ, क्योंकि आर्ट तस्वीर का एक अजहार है, ये काफ़ी अहम है कि खतूत लाइन और रंगों के मानी है इन तस्वुरात की बसरी शक्लों को महफूज करने के काबिल बनाएगा। मकासद, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के बाद आप याददाश्त और दस्तावेजी मवाद से मुख्तलिफ नफ्स मौजूआत की तख्लीक कर सकेंगे। इंसानी शक्लों, जानवरों की शक्लों और ज़मनी मनाजिर के स्केच तैयार करने और मुशाहदे करने के मानी में बसरी तजिए का इस्तेमाल करें। याददाश्त में मौजूदा शुबहात से भी तखली की इजहार का बन सकेंगे, ठीक है जी। इंतखाब, इंतखाबी मुहिम, बारात, रेलवे स्टेशन, आलूदी। देखिए यहाँ पे तीन पिक्चर्स हैं, दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा जुमा, एक रेलवे स्टेशन की है और एक बारात की और एक सबर की। इंतखाबी मुहिम, तरतीब, खाका साजी और इस मोहल्ले में और टीवी पर देखने के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान आपके ज़रिए किए गए बसरी तजिए से मुतालिक याददाश्त अशकाल मौसू का इस्तेमाल। तरतीब, इंतखाबी मुहिमें, बारात और ये रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं 10वें प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि इसके बाद एक लास्ट प्रैक्टिकल है हमारा 11वां, और फिर ये पूरा हमारा हो जाएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, कमेंट भी करिए क्या कैसे लग रही है आपको, पढ़ते में समझ में आ रहा है।
प्रैक्टिकल 10 जो है मकासद, रिवायती लोक मौजूदात का मुताला और हिंदुस्तानी आर्ट में इसकी अहमियत को समझना। तारुफ है हिंदुस्तानी रिवायात की आर्ट की शक्ल और लोक आर्ट रिवायती हिंदुस्तानी आर्ट की उम्दा मिसालें हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों में लोक आर्ट के मुख्तलिफ अकसाम मौजूद हैं जिनको अपने तर्ज और अपनी खसूसियात है। मकासद, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने पर लोग मौजूदात की मुख्तलिफ नवा शक्लों के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे। तलबा इन ख्यालात को अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करके अपनी खुद की ड्राइंग और तस्वीर तैयार कर सकें। इंतखाब, मथेला बिहार से मधुबनी, मुसविरी कलकत्ता मगरबी बंगाल कालीघाटी, मुसविरी राजस्थान से पर मुसविरी और आंध्र प्रदेश से कलमकारी की जगह जगह से कहाँ कहाँ किस तरह की जो है मुसविरी होती थी उस चीज़ का यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जिक्र किया है। लोग मुसविरी के असल या प्रिंट जमा करना और उसमें इस्तेमाल की गई फनी खसूसियात का इस मुताला है। अपने मरकजी ख्याल का इंतखाब करो, इनफरादी अंदाज के मुताबिक इसको दोबारा तस्वीरी तरतीब में डालें। अपनी तस्वीरी तरतीब को तैयार करने के लिए आप बाज़ बैरूनी अनासर को शामिल कर सकते हैं। मधुबनी मुसविरी की अहम खसूसियात हैं, नशेब व फराज की दोहरी लाइनों के साथ अफ़ी लाइनों का मिलाप, चेहरा हमेशा यह रुखी होता है और डेढ़ सामने का रुख होता है, मतलब ये एक तरफ का रुख होता है ना इसमें, तो आज़ा जिस्मानी का अंदाज कैफियत होता है, महदूद पेचो रंग के साथ भरी गई जगह, तस्वीर में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। यहाँ पे ये रुखी चेहरा यक रुखी चेहरा धड़ सामने की रुख नशे व फराज दोरी लाइनें कोई जगह खाली नहीं। मधुबनी मुसविरी के अनास ये तस्वीरें आप इसको बना भी सकते हैं। इसी तरह जो अगली तस्वीर है ये काली लाइनें, काली पट्टी, चत्र के अनासर, काली घाटी तर्ज मुसविरी। इसके बाद इसमें आम तौर पर कपड़े और मिट्टी के ज़रूफ़ पर पहनी गई ये तस्वीरें खुशोखुजू के साथ ब्रश कर हुई रवा काली लाइनों के साथ अंजाम दिए, पीली नीली और लाल जैसे इब्तदाई रंगों का इस्तेमाल। इसके बाद अगली तस्वीर है ये भी तस्वीर है जिसमें नीचे अलग और ऊपर अलग मधुबनी मुसविरी की तस्वीर इम्तियाज खसूसियात है। ठीक है, इसमें आप ये सारा लिख के और इसमें से ये आप बना दीजिए। कलमकारी की ये कलामत है। इसके बाद जो हमारा आखिरी आखिरी प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा है, आखिरी को हम आखिरी तक पहुंच गए, चलिए इसको भी कर लेते हैं। 12वीं वालों के लिए ये, 10वीं वालों का प्रैक्टिकल नहीं, कभी 10वीं वाले सोचेंगे हमारा 12वीं वालों का प्रैक्टिकल है। लोक फनकारों के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और मवाद का मुताल तारुफ है। इसमें सबसे पहले कि मुख्तलिफ ख़तों से लोग मुसविरी का अंदाज, मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ों, मवाद का इस्तेमाल या असलन मकामी मवाद पर मवाद की दस्तावेज़ पर किया जाता है। मकासद, इस प्रैक्टिकल को पूरा होने पर आप लोग मुसविरी में तरीक़ों और मवाद के इस्तेमाल में तफरीक कर सकेंगे। डिज़ाइन और पेंटिंग के मौजूद तरीक़ों और मवाद का इंतखाब कर सकेंगे। डिज़ाइनिंग और पेंट पहलू और तकनीक के बारे में बयान कर सकेंगे। यहाँ पे जो है मधुबनी मुसविरी है, सभी मुख्तलिफ मौके पर औरत के ज़रिए अंजाम दी जाती है। गहरी मिट्टी के रंग जैसे लाल, पीले, कुदरती नीले और क्या गए इंतहाई बुनियादी मवाद जैसे गून, धागा और माचिस या बारीक बोन्स सूत में लिपटी हुई बाँस की बारीक खुदियों की तरह इस मुसविरी आम तौर पर कहा जाता है। आप ये इस तरह की पेंटिंग को दस्ती तौर पर तैयार के कागजों पर। वर्ली पेंटिंग, पहले गोबर के लेप के साथ साफ करके इसको लगाने का जरिया दीवारों को पेंट किया जाता है। जब ये सूखता है तो घरों को ये लाल कीचड़ इसमें शामिल की ताकि पस मंज़र की बनावट आ सके। दूध और पानी के साथ पिसे हुए चावल और लंग पेंट के इस्तेमाल किया जाए। पेड़ों की टहनियों से ब्रश बनाकर हाल ही में इस तरह की पेंटिंग का कागज़ बनाया जाने लगा ताकि मुमकिन तौर पर बनावट करीब नज़र आए। ठीक है जी, भाई दो बना लेना, फ़ोटो लगा देना चारों, तो क्योंकि बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बट पेंटिंग है तो पेंटर देने बना लिया आप, फ़ोटो भी लगा दो।
मुसविरी राजस्थान, मुसविरी हाथ से बनी हुई खुरदुरी कपड़े पर की गई। इससे पहले इसे पुतली परत का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया गया। हम आहनगी की तरफ इशारा करता है, यारे पस मंजर को तजाद रंगों में आउटलाइन पर काम किया गया। इसके बाद कलमकारी मुसविरी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से, यहाँ से पेंट किए गए कपड़े मंदिरों में गिलाफ के तौर पर आराइश के लिए लटकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सब्जियों के रंगों से बनाई गई डिज़ाइनों के लिए इस्तेमाल, डिज़ाइनों फर्मों के गहरे शोख रंगों का बुरा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ये सारी बातें आप इसमें लिख देना भाई, और ये यहाँ पर आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसमें कुछ आगे भी पिक्चर दे रखो चाहो तो बना दे। बस ये आपकी जो है पेंटिंग की प्रैक्टिकल पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपका ये प्रैक्टिकल पेंटिंग का 332 ठीक है आपको पसंद आया होगा, सीनियर सेकेंडरी क्लास का। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल की बुक है थ्योरी वाली, उससे आपको मैं इसके चैप्टर भी पढ़ा दूँगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।